चलो आज बनाते हैं चॉकलेट पेप्सी। एक वायरल है क्या ना, जिसमें मतलब कोई भी बॉटल हो, पेप्सी मिरिंडा है फिर कोको कोला कुछ भी हो, उसमें जो चॉकलेट पोर करके मतलब बिल्कुल चॉकलेट वाला बना देते हैं। तो चलो वो ट्राई करते हैं, देखते हैं कि काम करता है कि नहीं, है ना। और यार मुझे कमेंट करके बताओ कि मुझको कौन कौन सी मतलब वायरल है क्या फिर रेसिपीज हैं जो ट्राई करनी चाहिए, है ना, कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। तो मैंने यहाँ लिया है पेप्सी और उसको मैंने हाफ़ कट कर लिया। यार ये कट करने में बड़ी परेशानी हुई, चाकू से कट ही नहीं हो रही थी, है ना। चलो फिर मैंने जैसे तैसे कर लिया कट। फिर क्या करा मैंने, चॉकलेट मेल्ट कर ली और इसमें अच्छे से पोर कर दो दोनों में। मेरे से थोड़ी सी गलती ये हुई, नीचे वाले जो पार्ट है ना बॉटल का, इसमें थोड़ी कम मतलब इतना मोटी थिक लेयर नहीं बनी, मतलब आपसे जितनी थिक लेयर बन सके ना उतनी थिक लेयर कर देना चॉकलेट की, मतलब काफ़ी थिक लेयर कर दोगे ना अच्छे से तो बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी, अच्छे से निकल जाएगी। फिर मैंने थोड़ी सी देर के लिए दोनों में भर दी चॉकलेट और फिर मैंने इनको फ्रिज में रख दिया, जमा दिया। फिर ये सेट अच्छे से हो गई थी, पर ना नीचे वाला जो बॉटल थी ना वो थोड़ी पतली लेयर थी ना, तो वो यार निकालने में थोड़ा सा टूट गया। मैंने कहा चलो यार इसको देखते हैं फिक्स हो जाता है। तो ऊपर वाला बॉटल का पार्ट ना बहुत आराम से निकल गया, वो थिक था, तो आप जितनी थिक लेयर रख सकते हो उतनी थिक लेयर रखना, बहुत अच्छे से आपका निकल जाएगा, है ना। तो मैंने क्या करा, नीचे वाले बोतल को फिर से उसी बॉटल के उसी स्टैंड में लगाया और थोड़ी सी चॉकलेट और मेल्ट करके उसमें डाल दी। पर ये मेरी गलती हुई, इससे क्या हुआ, ये चॉकलेट गर्म थी और वो सेट हो चुका था, तो आसपास की जो चॉकलेट जो सेट हुई थी ना वो भी पिघलने लगी। तो ऐसे मत करना, आप एकदम ठीक क्लियर रखोगे ना तो आराम से निकल जाएगी, ठीक है। फिर क्या करना है, दोनों पार्ट्स को मतलब गरम तवे पे डाल के बिल्कुल प्लेन कर लो और दोनों को चिपका दो। अब मेरे से एक और गलती होगी कि मैंने चिपकाने से पहले नीचे वाले पार्ट में कुछ टॉफी चॉकलेट्स नहीं भरे, मैं भूल गई। तो अब मेरा जुगाड़ देखो मैंने क्या करा, पीछे जैसे मामला सेट नहीं हुआ था ना, उसमें से मैंने टॉफी अंदर घुसा दी। अब ऐसे मत करना, आपका मामला एकदम से अच्छे से सेट हो जाए ना, पहले जोड़ने से पहले ना नीचे मतलब नीचे वाले पार्ट में कुछ टॉफी चॉकलेट्स कुछ भर देना। फिर मैंने ये लोगो लगा दिया, बॉटल का ढक्कन लगा दिया और ये इतना रियल लग रहा था ना, इतना रियल लग रहा था। मैंने भाई को दिखाया, बोला ये क्या है, मैंने कहा पास से देखो, तो बोला चॉकलेट है। मतलब उसको विश्वास नहीं हुआ, इतना रियल लग रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। ये हैक मेरी तरफ से बिल्कुल पास है, पर आप ना एकदम थिक लेयर रखना, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ना तो टूटेगा ना कुछ होगा, आराम से निकल जाएगा, ठीक है। वो मेरी थोड़ी सी गलती थी, मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया है, तो जो मैंने गलती करी वो मैंने आपको बता दी, है ना, आप मत करना और इसको तोड़ मरोड़ के मस्त इंजॉय करो। और हाँ, सुबह मैंने ना एक वीडियो अपलोड की जिसमें मैंने डेयरी मिल्क से डेयरी मिल्क बबली बनाई है, तो वो जरूर ट्राई करना, मतलब बहुत अच्छा आइडिया है, बहुत इंस्टेंट है, 10-2 मिनट में बन जाएगी, ठीक है। चलो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, बाय।